नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी है द एंट एंड द डॉग, यानी चींटी और कबूतर की। ठीक है, ये कहानी आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि आपको ये कहानी की और भी अर्थ आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ ग्रामर और टेंस से जुड़ी जुड़ी छोटी छोटी और बड़ी बातें भी आपको बताएंगे, ताकि आपको यहाँ से ग्रामर और टेंस का भी प्रयोग यहाँ से अच्छी तरह से आपको आने लगे। इसमें हम आपको वर्ब के माध्यम से टेंस की पहचान करने भी बताएंगे, किस प्रकार टेंस के स्ट्रक्चर के माध्यम से आप किसी भी कहानी को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इससे मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा रहता है, जिस वजह से मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कहानियों लेकर आता हूँ। इसमें आपको रोज बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस होते हैं जो आपके लिए स्पोकन कंप्लीट करने में यानी पूरा करने में भी और सीखने में भी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी। चलिए हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंट मींस होता है चींटी और कबूतर। ठीक है, चींटी और कबूतर की कहानी इसमें हम समझेंगे। यहाँ जो द लगा है, हम क्योंकि जान रहे हैं कि इसके पहले यहाँ पे द इसलिए लगेगा क्योंकि इस चींटी के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। ये कि द क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है। इस कबूतर के बारे में भी हम पहले से जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या द लगा है, और यहाँ पे द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, वन हॉट डे यानी एक गर्म दिन या फिर एक गर्म दिन। ठीक है, यानी वन मतलब होता है पर, एक ए हॉट डे ऑफ समर यानी गर्मी। ठीक है, गर्मियों के एक गर्म दिन, सही बात है, गर्मी में तो हर एक दिन गर्म होता है, लेकिन हो सकता है विशेष उस दिन गर्मी होगा। ठीक है, यानी गर्मियों के एक गर्म दिन, गर्म दिन में। ठीक है, ए एंड वाज सर्चिंग मतलब एक चींटी। ठीक है, सर्चिंग मतलब होता है ढूंढना, ढूंढ रही थी। यहाँ पे वाज है इसलिए क्या जगह थी, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है वाज, वेयर का अगर प्रयोग होता है, अगर उसके भरो में आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी क्या हो जाएगा, ढूंढ रही थी। ठीक है, ढूंढ रही थी, फोर मतलब क्या था, के लिए, सम वाटर यानी कुछ पानी, कुछ पानी का तलाश कर रही थी या फिर ढूंढ रही थी। आफ्टर वॉकिंग मतलब कुछ समय चलने के बाद, वॉकिंग मतलब क्या, चलने, कुछ समय मतलब चलने के बाद, अराउंड फॉर सम टाइम, सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय, अराउंड मतलब होता है लगभग के लिए। ठीक है, कुछ समय चलने के लिए, ठीक है, कुछ समय चलने के बाद, ठीक है, सी कम मतलब वह पहुंची, वह पहुंची, ठीक है, नियर द रिवर यानी नदी के पास, नियर मतलब होता है पास, रिवर मतलब होता है नदी, नदी के पास पहुंची। ठीक है, टू ड्रिंक द वाटर यानी पानी पीने के लिए, ड्रिंक मतलब होता है पानी पीना। ठीक है, वाटर मतलब होता है पानी, पानी पीने के लिए क्या है? मतलब पानी पीने के लिए वहां पे पहुंची। सी क्लैम मतलब वह चढ़ गई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, सी एल आई एम, क्लैम मींस होता है चढ़ना, यहाँ पे क्या है बी ई डी लगा, यानी ई डी लगा, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या वी टू का यूज हुआ। ठीक है, यानी ये क्या जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज होगा। ठीक है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, यानी वह चढ़ गई। ठीक है, आप मतलब होता है ऊपर, ऑन मतलब होता है पर, ए स्मॉल रॉक यानी एक छोटी सी, एक छोटी पत्थर, यानी एक छोटे पत्थर के ऊपर क्या किया, चढ़ गया। वाइल मतलब होता है जब। ठीक है, ट्राई मतलब क्या था, कोशिश कर रही थी, टू ड्रिंक ए वाटर यानी पानी पीने की, जब कोशिश कर रही थी पीने के लिए। ठीक है, पीने की, वाटर मतलब होता है पानी, जब पानी पीने की कोशिश कर रही थी, सी स्लिप मतलब वह फिसल गई, स्लिप मींस होता है फिसलना, यहाँ पे क्या ईडी है, सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब का सेकंड रूप, यानी वो क्या हो जाएगा, फिसल गया, फिसल, फिसल गया, और फिल मतलब क्या था, गिरना। ठीक है, और गिर गया, इन टू द वाटर, इन टू मतलब क्या होता है मैं, और वाटर में होता है पानी, ये मतलब नदी, रिवर है ना, रिवर में क्या होता है नदी, और क्या रिवर में गिर गया। ठीक है, देयर वाज ए डॉग मतलब वहाँ थी, देयर मींस क्या था, वहाँ थी, थी
एक कबूतर, वहां पे एक कबूतर थी जो क्या बैठी हुई थी, बैठी थी ऑन द, ऑन मतलब क्या था, पर एक ब्रांच मींस होता है शाखा, यानी नदी के किनारे क्या होती है जिस पेड़ होता है उस पेड़ के शाखाओं में क्या करता है, एक कबूतर बैठी हुई थी। ठीक है, ऑफ मतलब का या फिर की, एक पेड़ यानी ट्री, ट्री मींस क्या होता है पेड़, यानी एक पेड़ की शाखा पे क्या वहां पे कबूतर बैठी हुई थी। जो सी मींस होता है देखना, सी का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, यानी देखा, जो देखा, ए एंड मतलब एक चींटी फीलिंग मतलब क्या था गिर गई, गिर गई इनटू मतलब होता है मैं द रिवर मतलब नदी, जो एक चींटी क्या किया नदी में गिर गई। द डॉग मतलब कबूतर, डॉग मतलब ही कबूतर होता है ठीक है, और पिजन मतलब ही कबूतर होता है ठीक है। क्विकली मतलब जल्दी से, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। पुल का मतलब क्या था तोड़ा। ए लीफ मतलब एक पत्ता तोड़ा, और ड्रॉप मतलब क्या था गिरा दिया, और गिरा दिया ठीक है। यहाँ पे क्या ये भी ड्रॉप मतलब होता है गिराना, यहाँ पे क्या है ड्रॉप का सेकेंड फॉर्म है ठीक है, गिरा दिया। इट मतलब क्या था इसे, इनटू मतलब होता है मैं रिवर यानी नदी, नियर मतलब होता है पास। द स्ट्रगल एंड मतलब क्या संघर्ष कर रही चींटी, संघर्ष कर रही चींटी यानी जो चींटी जो पानी में गिर गया था वो निकलने का जो प्रयास कर रहा था ठीक है, उस चींटी के सामने क्या किया नदी में वो पत्ता को गिरा दिया। द एंट यानी चींटी मूव मतलब क्या था चढ़ गया ठीक है, यानी चींटी क्या किया चढ़ गया, टुवार्ड मतलब क्या था चढ़ गया या फिर चलना स्टार्ट किया, टुवार्ड मतलब होता है की ओर। द लीफ यानी पत्ता, और चींटी क्या किया पत्ते की ओर बढ़ना स्टार्ट किया और चढ़ गया ठीक है। क्लाइंब अप मतलब क्या था चढ़ गया, क्लाइंब मतलब क्या था चढ़ना ठीक है, ऊपर अप मींस होता है ऊपर, और ऊपर क्या किया चढ़ गया। ऑन टू, ऑन टू मतलब होता है पर ठीक है, इट मतलब होता है इसके, और उस पत्ते के ऊपर क्या किया चढ़ गया ठीक है। सोन मतलब होता है जल्दी, जल्दी। द लीफ ड्रैफ मतलब क्या था पत्ता जो भीगा हुआ था वो क्या हुआ सूखा, एक मिनट, जल्द ही क्या किया लिफ्ट ठीक है, लिफ्ट मतलब पत्ता, ड्रैफ्ट मतलब क्या था उठा लिया ठीक है, टू उठा के क्या किया डाल दिया, ड्राई ग्राउंड मतलब होता है सूखी जमीन पर, सूखी जमीन पे क्या किया उठा के डाल दिया ठीक है। और द एंट मतलब चीटी, जंप मतलब जंप आउट मतलब क्या था कूद के नीचे आ गया या फिर बाहर आ गया, यहाँ पे जंप मिस होता है कूदना, यहाँ पे डी लगा इसलिए क्या हो जाएगा कूद किया मतलब कूदा ठीक है। आउट मतलब क्या बाहर, यानी पत्ता से क्या हो कूद के बाहर आ गया ठीक है। ही लुक मतलब क्या वह देखी, वह देखी, लुक का मतलब क्या था ऊपर, वह ऊपर देखी द ट्री यानी पेड़, और वह पेड़ के ऊपर देखी, और थैंक्स मतलब क्या था धन्यवाद किया द डॉग यानी कबूतर को, धन्यवाद किया कबूतर को ठीक है, और क्या किया कबूतर को धन्यवाद किया ठीक है। लेटर मतलब होता है बाद ठीक है, द सेम डे यानी उसी दिन ठीक है, सेम डे मतलब क्या था उसी दिन ठीक है, बाद में उसी दिन ठीक है। ए बर्ड कैचर यानी पक्षी पकड़ने वाला, यानी ए बर्ड कैचर मतलब क्या होता है पक्षी पकड़ने वाला। ठीक है, नियर पे मतलब क्या था पास थी, अबाउट मतलब लगभग ठीक है। थ्रो, थ्रोन मतलब क्या पड़ा होता है मतलब थ्रोन मतलब होता है फेंका ठीक है। हिज नेट अपना जाल ठीक है, लगभग क्या अपना जाल फेंका ओवर द डॉब यानी कबूतर के ऊपर, ओवर मतलब क्या होता है ऊपर ठीक है, डॉब मतलब होता है कबूतर, कबूतर के ऊपर फेंका। हॉपिंग मतलब क्या उम्मीद से या फिर आशा से, उस आशा से फेंका। टू ट्रैप मतलब पकड़ा जाए ठीक है, पकड़ा जाए जकड़ा जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ट्रैप का यूज करते हैं ठीक है। ईट मतलब क्या इसे, इसे पकड़ने की आशा से क्या किया उसके ऊपर कबूतर के, कबूतर के ऊपर जो पक्षी पकड़ने वाला था उसने क्या क्या जाल फेंका ठीक है। ए एंड सॉ मतलब एक चींटी देखा, चींटी ने क्या किया देखा ठीक है, ही मतलब क्या था उसे,
और गॉर्जियस मतलब क्या, मतलब गॉर्जियस मतलब GUEES, गॉर्जियस मतलब क्या था, तर्क किया, मनी मन में सोचा, ठीक है, इसको बोलते हैं गॉर्जियस। मतलब क्या था वह, गॉर्जियस मतलब क्या, सोचा, सोच रहा था, तर्क वितर्क कर रहा था कि क्या, ठीक है, ही वॉज अबाउट टू डू मतलब क्या था, क्या कर रहा है, मतलब वह थी, अबाउट मतलब क्या था, बारे में, टू डू मतलब कर रहा,